जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो 8 चरण के चुनाव हुए और उसके बाद आज मुख्य दिन है, आज मतगणना होगी और उसके बाद तमाम डीडीसी जो मेंबर्स हैं वो चुने जाएंगे। इस समय हम जम्मू के पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर है जहां पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट की 14 सीटों के यहां पर गिनती लगभग 9 बजे जारी हो जाएगी। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर की बात करें यहाँ पर कड़ी सुरक्षा जो है वो सुरक्षा एजेंसियों द्वारा यहाँ पर लगाई गई है और साफ तौर पे पैरामिलिट्री फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उन्होंने इसको बिल्कुल 3 लेयरों में इस पूरे काउंटिंग सेंटर को बांट दिया है। और अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर का जो विक्रम चौक से टूवर्ड्स एशिया का रास्ता है उसे दोनों तरफ से बंद रखा गया है ताकि कोई भी वाहन यहाँ से ना जा सके और सिर्फ जो अंदर जा रहे हैं वो, अगर मैं बताऊँ कि जो जिन्होंने वोटिंग गिनती करनी है जो तमाम वो लोग हैं उनको अंदर मोबाइल भी अलाउ नहीं किया गया है, वो कुछ भी अंदर कैरी नहीं कर सकते हैं। लंबी कतारें थी वो अंदर जा चुके हैं। उसके अलावा जो एजेंट्स हैं, पोलिंग एजेंट्स या फिर कैंडिडेट्स हैं, उन्हीं को अंदर जाने का जो है अनुमति दी गई है। कुल डीडीसी इसके बात करें 2181 लोग फ्रे में थे टोटल और लगभग बताया जा रहा है कि 3,30,00,000 लोगों ने पूरे डीडीसी के चुनाव में जो है मतदान करके अपने मेंबर्स को चुनने की प्रक्रिया में भागीदारी दी है। बहुत अहम रहेगा ये तमाम पंचायतों के लिए क्योंकि जो पावर्स की बात है, जो तमाम जो पंचायतें हैं उन्हें एम्पावर करने की बात है। इससे पहले पंचीस सरपंचीज ही होते थे जम्मू कश्मीर में, 73 सालों से इस तरह से कोई हमारी जो पंचायत हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करने की जो है सरकारी कवायद में कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही थी। जो पंचायत थी वहाँ प्रॉपरली फंड्स नहीं पहुँचते थे और कहीं ना कहीं उसी वजह से जो अर्बन और रूरल एरियाज़ हैं उसमें डिफरेंस रहता था, चाहे डेवलपमेंट बात करें, चाहे फंड्स की बात करें लगाने की हो या फिर अलग अलग प्रोजेक्ट्स की बात हो। लेकिन पंच सरपंच चुने जाने के बाद जम्मू कश्मीर में, उसके बाद बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चुने गए, वहाँ के चेयरमैन चुने गए और उसके बाद केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव कराकर 3 जो पावर है वो तमाम पंचायतों को दी जाएगी, जिससे डायरेक्ट जो है वो डीडीसी काउंसिल्स रहेंगी, मेंबर्स रहेंगे, हर ज़िले में 14 मेंबर रहेंगे, उनका एक चेयरमैन होगा और जो फंड है केंद्र से आएगा वो तय करेंगे कि कहां कहां लगाना है। जम्मू में 14 ब्लॉक्स हैं, कंट्री की टक्कर रही इसमें साफ तौर पर। जिस तरह से पूरे 8 दौर में पूरा ये मतदान हुआ, जिस तरह से प्रचार रहा, भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका यहाँ पर जो डायरेक्ट जो कहें कि कंपटीशन था वो था पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जिसमें कुल 6 पार्टियाँ थी। सबसे बड़े नाम उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, उसके अलावा सीपीआई और पीपल अलायंस, पीपल कॉन्फ्रेंस और अवामी लीग, ये तमाम जो पार्टियां हैं ये इसमें शिरकत कर रही थी जो कि बीजेपी के अगेंस्ट लड़ रही थी। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि हमारा ये एजेंडा है कि 370 रिस्टोर होना चाहिए, वापस आना चाहिए और हमें स्टेटहुड मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को, जिस तरह से 370 अप्रोगेट करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो डिग्रेड किया गया, इन सबका ये कहना था। तो हम इसको लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि जब बीडीसी के इससे पहले चुनाव थे वहाँ पर कहीं ना कहीं इन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अभी डीडीसी के चुनाव में तमाम इन पार्टियों ने जो है शिरकत की है। लेकिन सबसे ज़्यादा कांटे की टक्कर देखी जा रही है जो ये लोग हैं, पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बीजेपी की, और वहीं जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है इस पूरे डीडीसी इलेक्शन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्हें कहीं ना कहीं कहें कि पार्टी की तरफ से सीटें नहीं मिली, टिकट्स नहीं मिली और पार्टी के उम्मीदवार खुद को मान रहे थे लेकिन किसी वजह से उनको जो टिकट्स नहीं मिली तो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए और बहुत सारे लोग। और इसमें और अन्य पार्टियाँ भी हैं, चाहे हम जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की बात करें, डोगरा स्वाभिमान संगठन की बात करें, बीएसपी की बात करें, इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग पार्टियां हैं, तमाम सब ने शिरकत की, अपने नुमाइंदे उतारे। और जब पूरा ये प्रचार चल रहा था, प्रचार में साफ तौर पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, जहां एक और चाइना ने इस डीडीसी इलेक्शन में एंटर कर लिया, पाकिस्तान ने तो एंटर किया ही, बहुत ज़्यादा बयानबाजी हुई, उसके अलावा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे। और ये जो विजुअल्स आप दृश्य देख रहे हैं ये पॉलिटेक्निक जम्मू के बाहर के हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ पर डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर रखा गया है, तमाम जवान जो हैं ये कतार लाइन लगा के खड़े हैं। जो भी शख्स आ रहा है उसे दूर से ही कहा जा रहा है कि आप एक कतार में चलें और अपने मोबाइल फोन्स बाहर रखें, आप कोई भी ऐसा सामान अपने साथ नहीं, इवन कि पेन तक अंदर ले जाने की जो है वो अनुमति नहीं है, सब कुछ अंदर
अंदर मिलेगा जो भी चाहिए। लेकिन आप यहाँ से जाएंगे, यहाँ से पैदल चल के अंदर जाना है। और आपको मैं बताऊँ, जो 14 ब्लॉक्स हैं उसमें अखनूर है, अखनूर ब्लॉक है, अरनिया ब्लॉक है, भलवाल ब्लॉक है, भलवाल ब्राह्मणा ब्लॉक है, और बिश्ना ब्लॉक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें डंसाल, खोड़, मीरा, मेरा मांदरे, मंडाल फ्लाएं, मड़, मीरा साहब, और उसके अलावा कई और ब्लॉक्स हैं, नगरोटा है जिनमें शामिल, और आरसपुरा, सुचेतगढ़। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर अपने कुछ जो केंद्र, जो कैबिनेट मिनिस्टर थे पूर्व, उनको भी उतारा है, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा है श्यामलाल चौधरी का, जो कि सुचेतगढ़ सीट से कंटेस्ट कर रहे हैं डीडीसी इलेक्शन। वहीं शक्ति परिहार है जो 2 सीटों से लड़ रहे हैं। इन दोनों की भी आज किस्मत यहाँ पर है, वो खुलेगी कि नहीं खुलेगी ये मतदाता तय करेंगे। लेकिन ये पूरा जो वोटिंग प्रोसेस है ये बैलेट बॉक्स के थ्रू हुआ था, तो कहीं ना कहीं बैलेट के थ्रू जो काउंटिंग है उसमें थोड़ा वक्त भी लगता है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है, कल इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा था कि सबसे पहले जो जो रुझान है या फिर नतीजे हैं वो लगभग 2 बजे के बाद आना सामने आएंगे, कि कौन आगे चल रहा है, किसका जो है किस्मत जो है उसे डीडीसी मेंबर बना रही है। और वक्त जो है रात का, अगर हम लेट नाइट की बात करें, ये जो पूरा काउंटिंग प्रोसेस है ये लेट नाइट तक भी जा सकता है पूरे नतीजे आने में। क्योंकि अगर ईवीएम की बात करें तो ईवीएम पूरा डिजिटल होता है, तो वो डिजिटल प्रोसेस से फटाफट कहें कि उसमें जल्दी होती है, लेकिन यहाँ पर एक एक वोट को गिना जाएगा, तो उसको देखते हुए वक्त जो है लगेगा। और इसको लेकर अगर हम ट्रैफिक जो पूरी मूवमेंट की बात करें, कई रोड्स में को जो है डाइवर्जन दिया गया है, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। अगर हम आप बात करें आप टूवर्ड्स ओल्ड सिटी ज्वेल चौक से, अगर आप आपको गांधीनगर आना है, आपको सतवारी जाना है, तो आपको डायरेक्ट जो सीधी रोड है जो कि विक्रम चौक से जाती है वो बंद मिलेगी, वहाँ पे एंट्री नहीं है। तो इसके लिए आप फोर्थ ब्रिज जो कि भगवती नगर वाला ब्रिज है, वहाँ से घूमते हुए टूवर्ड्स बेली चराना होते हुए आप सतवारी जा सकते हैं अगर आपको जाना है, या फिर एशिया आ सकते हैं घूम के। उसके अलावा जो इस तरफ से लोग हैं सेम पैरेलल उनके लिए है, अगर उन्हें ओल्ड सिटी जाना है तो वो शेरे कश्मीर जो बहु बागे बहु वाला ब्रिज है, तवी ब्रिज, उसे ले सकते हैं, या फिर फोर्थ ब्रिज की बात करें वो ले सकते हैं, या फिर उन्हें बहुत घूम के आना पड़ेगा पूरा गांधीनगर यूनिवर्सिटी बैक साइड से होते हुए, तब वो पीछे से वहाँ से जाएंगे उल्टी तरफ से, तब वो उस ब्रिज पर जा सकते हैं। फ्लाईओवर की बात करें, फ्लाईओवर ऊपर से थ्रू किया गया है, लेकिन कुछ देर बाद वो भी यहाँ से बंद कर दिया जाएगा, जो न्यू फ्लाईओवर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो भी लोग अंदर जा रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो अधिकारी हैं, ये गाड़ियाँ आ रही हैं, इनके जो नुमाइंदे हैं उनको वो चेक कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं कैंडिडेट के, ये साथ के लोग हैं, और इनके नंबर चेक किए जा रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों द्वारा, इनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट पूछे जा रहे हैं कि क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास, आप गाड़ी चेक करवाइए, और अगर आपको कैंडिडेट की, अगर आप सपोर्टर्स हैं तो आपकी सीमित संख्या के तहत यहां पर अंदर जाने की आपको अनुमति है। मौके पर ये सामने वीडियोज में SP साउथ हैं दीपक डींगरा, उनको भी देख सकते हैं, वो भी मौके पर हैं। इसके अलावा तमाम आला अफसर कल पूरी जो जिस तरह से पूरी ट्रेनिंग रही, पूरा उन्होंने ब्यौरा लिया, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जम्मू थे, उसके अलावा तमाम ADCs थे, और इलेक्शन कमीशन के लोग थे, जिन्होंने काउंटिंग करनी थी वो पूरा स्टाफ था, सुरक्षा एजेंसियों के तमाम लोग थे, सभी अंदर थे, सब ने पूरी तरह से सुनिश्चित करके, पूरी प्रॉपरली तैयारी करके आज के लिए तैयारी की है। और सुबह से ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहले मीडिया के लिए अगर हम बात करें तो 7:30 का टाइम था अंदर एंट्री करने का, वो जो मीडिया के लिए जो एंट्री की बात है वो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने, जम्मू कश्मीर इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने तय किया है, और लिस्ट वहाँ से वो जारी कर दी गई है। और ये जो सामने खड़े हैं ये सुचेतगढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार तरनजीत सिंह टोनी हैं, जो श्याम चौधरी के अगेंस्ट जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं, ये भी हम आए हैं। इसके अलावा तमाम और अलग अलग जगह के जो नुमाइंदे हैं वो जो कंटेस्ट कर रहे हैं वो पहुंचे हैं। जैसे मैंने पहले बताया, कुल 2,181 कैंडिडेट्स हैं जो पूरे इस DDC चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 3,30,00,000 लोगों ने वोटिंग की थी, और वोटिंग प्रतिशत जो है पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में लगभग 50% रही है, जो कि कहें कि जम्मू में ज़्यादा रही है, जम्मू रीजन में ज़्यादा रही है, लेकिन कश्मीर रीजन में कम रही है, क्योंकि मिलिटेंसी का दौर था जब पूरे DDC के चुनाव चल रहे थे कई चरणों में, वहाँ पर हमले भी हुए, अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन पर हमला हुआ, और लगातार आतंकी हमले हो रहे थे, और आतंकी तंजीमों का यही प्रयास था उन आउटफिट्स का कि जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें कम से कम लोग पार्टिसिपेट करें, और इस जमहूरियत के इस पूरे जो
इलेक्शन के प्रोसेस में नहीं लोग निकले कश्मीर के लोग, लेकिन उसके बावजूद बढ़ चढ़ के कहीं हमने डिस्ट्रिक्ट्स में देखा काफ़ी ज़्यादा वोटिंग हुई वहाँ पर, चाहे एलओसी के पास के गांव की बात करें या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पास की सांबा डोडा सांबा कठुआ आरसपुरा तमाम जगहों की बात करें, यहाँ पर बढ़ चढ़ के लोगों ने वोटिंग की, बहुत ज़्यादा कहीं कहीं तादाद में लोग निकले। तो कहीं ना कहीं उनको तमाम आतंकी तंजीमों को तमाचा है बहुत बड़ा कि राजनीतिक प्रोसेस में जम्मू कश्मीर के लोग खुलकर बढ़ चढ़ कर जो है वो शमूरियत करते हैं जब भी उन्हें मौका मिलता है, जब भी, चाहे वो असेंबली के इलेक्शन हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत के इलेक्शन हो, बीडीसी के हो, डीडीसी के हो, तो हर कोई चाहता है कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो। जो केंद्र से जो फंड्स आ रहे हैं, जो केंद्र से उनको उनके लिए पैकेजेस भेजे जा रहे हैं, वो हर ग्राम हर गली हर मोहल्ले तक वो पहुंचे, और जो नुमाइंदे वो चुन रहे हैं, जो सरकार जो उनको थ्रू इलेक्शन मौका दे रही है चुनने का, तो वो लोग तमाम इन इलाकों को एम्पावर करने के लिए, इनको डेवलप करने के लिए ये तमाम कहीं ना कहीं प्रयास जो है वो करें। तो आतंकियों के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा, हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की। थोड़े दिन पहले देखा हमने इंटरनेशनल बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट कर थ्रू टनल जो है आतंकी जो कश्मीर घाटी की ओर जा रहे थे, जिन्हें बन टोल प्लाजा पे मार दिया गया, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे डीडीसी चुनाव में खलल डालने के लिए जा रहा उनका प्रयास था। वो इतना ज़्यादा एम्यूनिशन लेके जा रहे थे, जो वहाँ पर आतंकी ऑलरेडी सक्रिय हैं उन तक वो एम्यूनिशन पहुँचाएंगे, और वो आगे डीडीसी चुनाव जहाँ जहाँ हो रहे हैं वहाँ पर हमले करके लोगों को वोट ना करने देने के वो पूरी जो है वो पूरे उस प्रयास में थे, लेकिन वो भी नाकाम किया। उसके अलावा फिर आतंकी पकड़े गए, तमाम एलओसी या फिर आईबी की बात करें, वहाँ पे बीएसएफ आर्मी बिल्कुल अलर्ट थी, हर वक्त हर मिनट वो चौकस हैं, वो हर चीज़ की चेकिंग कर रहे थे। और हमने देखा भी कि बीएसएफ ने कई ऐसे जो हैं वो उसको लेकर उन्होंने प्रैक्टिस किया पूरा, उस तरह से पूरी जांच की पूरे इन इलाकों की कि कहीं कोई टनल तो नहीं है, टनल ढूंढने के भी वो लोग लगातार काम करते रहे। और पाकिस्तान जो है वो अब नई रणनीति के तहत, और कई बार उन्होंने ड्रोन्स उड़ाकर जो एमुनिशन है वो भारत के जो बॉर्डर इलाके में है वो पहुँचाने की कोशिश की, कई बार उसे विफल भी किया, बहुत बार एमुनिशन पकड़े भी गए। तो ये पूरा डीडीसी के चुनाव में ये कहीं ना कहीं पूरा देखने को मिला कि जहाँ जो विदेशी ताकतें हैं वो भी नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हों, जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, वहीं लोगों ने इसका उलट जवाब देते हुए भारी से भारी संख्या में जो अपने वोट हैं वो दिए हैं। 50% से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में पूरा ये वोटिंग परसेंटेज रहा है। आज जो है किस्मत खुल जाएगी तमाम डीडीसी मेंबर्स की कि कौन कौन चुन के आ रहे हैं। इसमें खासतौर पर राष्ट्रीय पार्टी भी, भाजपा भी उतरी हुई है, कांग्रेस भी उतरी हुई है, उसके अलावा तमाम पार्टियां हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की लोकल पार्टीज़ की बात करूं, उन सब ने एक अपना एक गुलदस्ता तैयार किया है पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के रूप में लोगों के लिए। उन्होंने यही कहा है कि हम स्टेटहुड वापस लेंगे, और जो हमारा जो स्पेशल स्टेटस था जो केंद्र सरकार ने हमसे 5 अगस्त 2019 को छीन लिया था, हमने उसको भी वापस लेना है। लेकिन उस लोग वो भी कर रहे हैं, चीज़ों को फोकस रख रहे हैं, साफ तौर पे डेवलपमेंट का जो एजेंडा है, जो डेवलपमेंट केंद्र चाहता है कि जम्मू कश्मीर में हो, और जिस तरह से 1980 से पहले का जम्मू कश्मीर था वैसा जम्मू कश्मीर बने, यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग हो, यहाँ पे इंडस्ट्रीज आए, उसको लिए लगातार जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में पूरा प्रयास कर भी रही है। कई हम हर दिन देख रहे हैं जो सरकार है वो लगातार जो कहें कि ऐसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सामने ला रही है जिससे जम्मू कश्मीर का विकास हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों की, कुछ दौर की, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत परेशानी अभी भी लोगों को 4G इंटरनेट के साथ आ रही है। आज भी इस पूरे जो इलाका है यहाँ पर जम्मू में 2G चल रहा है, तो तमाम जो लोग जो अपडेट दे रहे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, कहीं ना कहीं उनको दिक्कत परेशानी ज़रूर आएगी कि वो किस तरह से अपडेट करेंगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कुछ इंतज़ाम किए हैं अंदर मीडिया के लिए कि वो प्रॉपर रिपोर्टिंग कर सके, और आपको हर ब्लॉक की कैंडिडेट वाइज, पार्टी वाइज और इंडिविजुअल आपको पूरी जानकारी दे सकें कि किस तरह से पूरे काउंटिंग चल रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन जीत रहा है, ये सारी तैयारी की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं, जब वोटिंग कर रहे थे उनको ये भी फोकस में था कि हमें क्या कुछ हमें चाहिए। खास तौर पर इसको देखते हुए लोगों की ये भी डिमांड थी कि 4G रिस्टोर हो जाए। उसके अलावा जो DC जम्मू है, डिप्टी कमिश्नर जम्मू, अभी ये भी पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर जा रही हैं
कल भी ये यहाँ पे रहे थे, अभी सुरक्षा एजेंसियों की गाड़ियाँ, सुरक्षा एजेंसी इनको इनको यहाँ से अंदर क्रॉस करने दे रही है। और तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है, जम्मू की आला ब्यूरोक्रेसी है, वो तमाम अभी अंदर है, जो पूरे इस काउंटिंग प्रोसेस में जो है वो पूरी नज़र बनाए हुए है और साथ रह के काउंटिंग करवाएंगे। ये आला अधिकारी आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के एसपी साउथ, एसपी नॉर्थ, उसके अलावा एसएसपी, आईजी, सभी 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 मौके, मतलब उन्होंने नज़र बनाई हुई है और मिनट मिनट की वो जानकारी ले रहे हैं। और सुरक्षा एजेंसियों के लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो वो बिल्कुल गेट पर तत्पर हैं, चौकस हैं, जो डॉग स्क्वाड्स हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ की टुकड़ियाँ यहाँ पर तैनात हैं, सबको यहाँ जम्मू पुलिस ने पासिस दिए हुए हैं और पासिस के तहत ही उन सबकी यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है। हर गाड़ी को चेक करने के लिए इस तरह के मेटल डिटेक्टर्स हैं, ये स्नाइपर डॉग है, ये आप देख सकते हैं, ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं सबको चेक कर रहे हैं, जो अंदर जाएंगी उनको खोल के चेक किया जा रहा है, हर एक गाड़ी को मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही सुनिश्चित होने के बाद गाड़ियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। ये पूरे प्रक्रिया, ये पूरा प्रोसेस जम्मू के पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर चल रही है और स्टेट टाइम के माध्यम से हम आपको लगातार आज बीडीसी चुनाव के नतीजों के बारे में अपडेट लगातार देते रहेंगे। पूरे दिन ये हमारी कवरेज जारी रहेगी अलग अलग स्पॉट से, और जो जो कैंडिडेट जीतेंगे, जो नहीं जीत पाएंगे, हम सबसे बात करने का प्रयास करेंगे और साफ तौर पर किस तरह का ये पूरा इलेक्शन रहा उसके ऊपर भी चर्चा लगातार करेंगे। आप यूं ही बन रहे हैं स्टेट टाइम के साथ, विजिलेंस पवन शर्मा के साथ, ख्वाहिश पटियाल, पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू।